जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रो फ्रेंड अंशु में स्वागत है। मैं डॉक्टर अंशु गुप्ता आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ, नौकरी को लेकर परेशान है, कैरियर नहीं बना पा रहे हैं, सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी दिए पर क्लियर ही नहीं होते हैं, एग्ज़ाम्स देते हैं तो वो एक या दो नंबर से रह जाते हैं और कैरियर को लेकर बहुत सारी परेशानी और बहुत सारी समस्या आ रही है। ऐसे में हम बहुत सारे उपाय भी करके थक चुके हैं पर नौकरी नहीं मिल रही है, बहुत परेशान हैं, क्या करें ऐसे जिससे कि नौकरी मिल जाए। और नौकरी भी मुझे मनचाही करनी है, ऐसी कोई नौकरी नहीं करनी है जिसमें मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े या जिसमें मेरा मन ही ना लगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ वो बहुत छोटे उपाय जिनको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, पर यदि आप इन उपायों को पूरे विश्वास के साथ करेंगे तो निश्चित ही बहुत शीघ्र ही आपको जॉब मिल जाएगी। आप सरकारी नौकरी चाहते हैं और उस नौकरी के काबिल भी हैं तो आपको सरकारी नौकरी का योग भी शीघ्र बनेगा और जो बाधाएं आपकी जॉब में आपके कैरियर में आ रही हैं वो बाधाएं शीघ्र से शीघ्र दूर होंगी। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे क्लिक करें। नौकरी को लेके बहुत परेशान है, इंटरव्यू नहीं लग रहा है, इंटरव्यू लगता है तो कॉल नहीं आती है, एग्ज़ाम देते हैं तो क्लियर नहीं हो रहा है और एग्ज़ाम दे दे के परेशान हो गए हैं। कैसे अपना कैरियर बनाएं, कैसे जॉब को पा सकते हैं, कैसे अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं, बहुत ही छोटे छोटे पर बहुत ही अचूक उपाय हैं, इन्हें करिए निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। उपाय में आपने क्या करना है, सावन का महीना शुरू हो चुका है, सावन के महीने में आपने शिव जी को पंचामृत बेलपत्र भांग धतूरा रोज़ चढ़ाना है, नियम से चढ़ाना है। चढ़ाना कैसे है, आप शिव मंदिर जाएंगे ये सामग्री लेके, एक देसी घी का दिया भी लेके जाएंगे, शिवलिंग के आगे आप लाल रंग का आसन बिछाकर बैठ जाएंगे। अब जो दिया आप लेके गए हैं वो दिया जलाएंगे और शिव जी को बेलपत्र अर्पित करेंगे, भांग अर्पित करेंगे और धतूरा अर्पित करेंगे। इनकी कोई क्वांटिटी नहीं है, आप अपनी इच्छा अनुसार 5, 7, 11, 21 बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं और जब आप अर्पित कर रहे हैं तब भोले बाबा से आपने अपनी कामना करनी है कि अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं कि मेरा ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है, बहुत मेहनत या बहुत प्रयास कर रहा हूँ या बहुत मेहनत या बहुत प्रयास कर रही हूँ फिर भी मुझे सफलता हासिल नहीं हो रही है, मुझे सफलता चाहिए और मुझे ये नौकरी ज़रूर चाहिए, मेरा ये एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होना चाहिए। जैसे हम अपने पेरेंट्स से ज़िद करते हैं ना कि मुझे तो ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, ऐसे ही आपने भोलेनाथ से भी ज़िद करनी है और फिर देखिए आपको कैसे आपके वो कार्य पूर्ण होते हैं, आपको कैरियर में सफलता मिलेगी। जो भी बाधाएं आ रही हैं जिस भी वजह से आपका कैरियर नहीं बन पा रहा है वो बाधाएं भोले बाबा दूर करेंगे। जब आप ये सारी सामग्री उन्हें अर्पित कर देंगे उसके बाद वहीं बैठकर आपने 5 माला, 7 माला या 11 माला ओम नमः शिवाय का जाप करना है। जाप करने के बाद आपने शिव परिवार की परिक्रमा 11 बार करनी है। यहाँ ध्यान रखिएगा, कभी भी शिव परिवार की पूरी परिक्रमा नहीं की जाती है, तो ध्यान से परिक्रमा करिए। जब आप परिक्रमा कर रहे हैं उस समय भी आपने अपने मन में अपनी कामना करनी है और इस उपाय को आपने रोज़ करना है, ऐसा नहीं कि आप मंडे मंडे करें, इस उपाय को आपने रोज़ करना है, पूरे विश्वास के साथ करना है और देखिएगा कैसे भोले बाबा आपकी इच्छा पूरी करते हैं, आपको आपके कैरियर में लाभ मिलेगा, तरक्की मिलेगी, मनचाही नौकरी के योग बनेंगे और आप अपने जीवन में सदैव सफल रहेंगे। तो करिए ये उपाय पूरे विश्वास के साथ और कमेंट में लिख के मुझे ज़रूर बताइएगा कि किस किस को शीघ्र जॉब मिली है, किसके एग्ज़ाम क्लियर हुए हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए क्योंकि आपके माध्यम से किसी और की हेल्प भी हो सकती है। यदि आपका कोई प्रश्न है, कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो वीडियो को ही कमेंट में लिखकर आप पूछ सकते हैं। जय माता दी, आपका दिन शुभ हो।